यार माशाल्लाह से शौक चेक करो। ओए होए 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 होए, वाह जी वाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह चेक करें, ये सही शाइन वाला, इसका तो लग रहा है मास्टर का पेंट करवाया, चमक रही है माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती। सलामु अलैकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HFN एंटरटेनमेंट। चोई साहब ने बड़ी प्यारी जगह मुझे दिखा दी है, चोई साहब के पार्टनर उमर भाई, क्या हाल है, ठीक है? और हमारे साथ जट साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। सर आज आप लोगों को घोड़ों की नस्लें दिखाएंगे और इनकी एक लाइन दिखाएंगे जो 17 साल से चलती आ रही है। 17 साल से आ रही है कि ज्यादा हो गया? 17-18 साल से चलती आ रही है। यहाँ पर है भाईजान वो ब्रीड, क्या है इसकी नस्ल का नाम बताएं जरा। घोड़ी है, नुकरी घोड़ी है, ठीक हो गया। तकरीबन 150-200 साल पुरानी ब्रीड है। 150-200 साल, 2 सदियां पुरानी ब्रीड है। ये बड़ी खास गुड़ी है। 2 सदियों से आपके पास कितनी देर से है नस्ल ये वाली? नस्ल बड़ी पुरानी है, दादा के जमाने से है क्या? पर दादा पुरानी नस्ल है, पुरानी नस्ल है उसका बछेरा। ये आगे करें जरा थोड़ा सा, इसका शौक करवाते हैं माशाल्लाह से, इसका बाप भी दिखाते हैं। अच्छा मुझे एक बाप बताएं, किसी दोस्त को शौक करना हो, लेना लूना हो, दे भी देंगे कि नहीं? नहीं अपने शौक के नहीं। ये वैसे फिर जाती है, लोग देख के कहेंगे यार हमारे पास भी काश ऐसी चीजें होती है। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये खाली एक घोड़ी पे बात नहीं खत्म होती, आगे वहाँ पे उसके नीचे भी बच्चा है, उधर है उसके नीचे भी, उसके साथ भी है। यहाँ पर इन्होंने माशाल्लाह से डेर लगाया और हमारे चोई साहब ने काले के अंदर शौक किया है। वो भी ले लिया आपने? उम्र में माशाल्लाह बच्चे का पहले शौक कर लें, फिर अगले बच्चे की तरफ चलते हैं। सुभान अल्लाह, उम्र में कितनी उम्र का बच्चा है ये? 3.5 साल का है। तो भाई नर्वस नहीं होना यार, भाइयों अपने 3.5 माह का बच्चा है, इसे घोड़ी को उधर लेके जाएं, इसका शौक कराएं बच्चे का। यार बहुत ही खूबसूरत चीज है, अल्लाह ताला नजरे बाद से बचाएं, के शौक में बरकत डालें, यकीन मानो मजा आ गया। लेकिन आपका मजा और दुआला करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं, आपको और इसके अलावा घोड़े दिखाते हैं, उसके बाद मेन ब्रीडर्स दिखाएंगे आपको। क्यों उमर भाई आगे चलें? चलें जी चलते हैं, उसके बाद हम लोग जाके अपने कासिम भाई का भी शौक आपको करवाएंगे। यार माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें, ये सही शाइन वाला, इसका तो लग रहा है मास्टर का पेंट करवाया, चमक रही है माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती। ये उसी लाइन में से है? ये ओल्ड नस्ल है, रावी ब्रीड। रावी इसकी एक ही आपके पास, एक ही मादी है? ये मादी है, वो उसका भाई है, सामने जो पहले बनाई है, वो नारियल छलांगे मार रहा, वो छलांगे वो उसका भाई है, बहुत फुर्तीला नारा, उसको काबू में करना गेम है। अंदर चल के दिखाते हैं इसको। 600 साल पुरानी ब्रीड है। ना करो यार, ये रावी ब्रीड है प्योर। ये बच्चा कितनी उम्र का? बच्चा होना है 5 महीने का, 4 महीने। हाइट वाइट बहुत अच्छी निकाल गया 4 महीने के अंदर ही। इंशाल्लाह से अगला शौक बाहर आ रहा है, मैंने कहा यार अंदर वो चीज नजर नहीं आ रही, बाहर निकाल के आपको प्रॉपर दिखाते हैं। और अब ये बाहर आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी देखना जरा अभी आप ले जी। सुभान अल्लाह, प्योर नुकरी प्योर, चेक करें खूबसूरती और क्वालिटी चेक करें। 500 साल पुरानी ब्रीड बता रहे हैं, नेजाबाजी में आएगी, घोड़िया नहीं घोड़े करते हैं इनके बच्चे हैं वो करते हैं। ब्रीड इसकी जो आएगी नेजाबाजी में आएगी। अच्छा बाहर निकल के उसकी सही लुक अप नजर आ रही है, अंदर वो चीज नहीं नजर आ रही। बछेरी है, इसको हमने क्रॉस जरी करवा दिया है। ये भी मैच्योर घोड़ी नहीं है, बच्ची है। कितनी उम्र होगी इसकी तकरीबन? अभी हो गई 3-3.5 साल हो गए। अच्छा मुझे बताएं उमर भाई, जो ब्रीड आई जाती है आप इतने सालों से शौक कर रहे हैं, इस ब्रीड का करते क्या आप आगे? भैया नहीं, हमारे अपने समान में आते हैं नेजाबादी, गांव में भी चरते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं फिर इनको निकाल वगैरह देते हैं, शौक करवा देते हैं या पास ही रखते हैं? पास ही रखते, देते नहीं है। अभी कितने घोड़े हैं टोटल आपके पास डेरे पे? माशाल्लाह इधर तो 8-10 पीछे 18-19 घोड़े और भी है, यानी कि अब डेरे पे आपके चक्कर लगाना पड़ेगा हमें। ब्रीडिंग खाली इधर ही है? ब्रीडिंग नहीं है, ये अपने शौक में रखे हैं। नहीं नहीं, जो बच्चे आ रहे हैं वो खाली इधर ही हैं, पीछे भी है गांव में। अच्छा उधर अलग से। और ये माशाल्लाह से हर घोड़े का मैं देख रहा हूँ बच्चे हमें, घोड़े
इधर मैं देख रहा हूँ हर घोड़ी ने बच्चा दिया हुआ है। ये गई अंदर, ठीक है जी, दो शौक हो गए। लोग जा रहे हैं तीसरे शौक की तरफ और आप कमेंट्स कर दो तो सबसे ज्यादा बेहतरीन आपको कौन सा लगा है। इस तरफ आ गए, एक और शौक हमें नजर आ गया माशाल्लाह। अच्छा जी उमर भाई, ये जनाब रावी, रावी ब्रीड हमारी, रावी की नस्ल के घोड़ी है। बच्चा कितनी उम्र का होगा? ये भी तकरीबन 3.5 माह का। 3.5 माह का बच्चा माशाल्लाह से। और घोड़ी की उम्र? घोड़ी की उम्र होनी है 4.5 साल। 4.5 साल ऐसे काफी ज्यादा ना घुली मिली हुई है, उसने उधर से खोली अपने अपने बाड़ों में खुद ही चली गई है। ये भी एक गेम काफी अच्छी है माशाल्लाह से। अगली की तरफ चलते हैं, आगे भी बच्चा दिया हुआ ना घोड़ी ने। अच्छा बछेरा। अच्छा यहाँ पे एक और भी मैंने देखा था, कोई बच्चा बच्चा वो काली का था मेरे ख्याल उधर, वो मैंने भी खरीदी है ब्लैक। इसकी उम्र कितनी है? ये होना 19 महीने का तकरीबन। अभी तो फिर बच्चा ही है पूरा, है ना। और इसकी हमने अभी निकाल के वॉक वगैरह देखी और यकीन माने मजा आ गया। इसकी चाल डाल जो बाहर निकल के आती है ना लुक, वो अंदर असल में जगह ऊपर नीचे होती है, वो पोजीशन नहीं आती, लेकिन बाहर लुक बहुत प्यारी आती है। सिम भाई साथ है, काफी में मजा आ रहा है। मुझे तो बहुत आता है, आपको मजा आ रहा है? उल्टा पूछ रहा हूँ, वैसे मजा आ रहा है आपको? देखिए जी, हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है। मुझे जो घोड़ों में जो सबसे प्यारा जो घोड़ा लगा है ना, वो ये बच्चा है सर। वो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ये मेरी पसंद। आप लोग बताओ कि ये बच्चा आपको कैसा लगा है? कान वगैरह की इसकी पोजीशन चेक करो माशाल्लाह से, पहले नंबर पे। इसकी स्टैंडिंग पोजीशन चेक करो। कासिम में कितनी उम्र है इसकी? सात माह। 5 माह है। हाइट बड़ी निकाल गया 5 माह में, बहुत हाइट निकाल। नस्ल कौन सी है? ये भी अपना इधर मुश्किल से कहते हैं लेकिन ये है कि नस्ल ये रेसर में आएगा या दूसरा है? आपको शौक नेजाबाजी का ही था? सारे के सारे नेजाबाजी बने हैं। ये घोड़ी अभी ये भी क्रॉस नहीं हुई, इम्पोर्टेड लग रही है। ये काली घोड़ी बहुत माशाल्लाह है ना, इम्पोर्टेड घोड़ी लग रही है माशाल्लाह, बहुत ही नयाब है। और ये कितने साल की है? ये अभी क्रॉस करवानी है हमने, बच्ची है अभी। उम्र कितनी होनी है इसकी? उम्र होनी है 2 साल होनी। यार उम्र में कितनी उम्र में जाके ये मेट हो जाती है घोड़ी वगैरह? ये हो जाती तकरीबन 2 साल के करीब करवा लेते हैं, 2.5 साल 3 साल। और मेल 5 साल लेता है? मेल भी तकरीबन 4.5 साल 5 साल। मेल तो रोज ज्यादा बूढ़ा हो गया तब करवाते हैं। सही है, ब्रीड अच्छी आती है, अच्छी आती है, उसका रिजल्ट पता लग जाता है। और फीमेल? फीमेल का कोई मसला नहीं, जब उसके आपका 2 साल में करवा दें, 2.5 साल 3 साल तक। हाइट वगैरह काफी जल्दी निकाल जाते हैं ना, काफी 5 साल तक हाइट करते हैं। अब आपके मेन नोट्स की तरफ चलते हैं, बड़े वाले के पास। ये अपना बछेरा ही है हमारे पास, बड़ी देर का ही। तो ये होम ब्रीड है हमारी, अपना इधर ही पैदा हुआ जनाब, और इसको तकरीबन 5-6 साल का हो गया। ये वाला तो सही बड़ा है यार माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, इतना घोड़ा बहुत कम है, इतनी हाइट में, बहुत हाइटेड है। अब इसकी वॉक दिखाते हैं, आवाज देखिए बताएं इसके बारे में। मैं जान इसको माशाल्लाह मेरे पास बड़ा नेड़े में आवा तो और नहीं ले पाए। आप बताएं इसके बारे में। ये भी बड़ा नुकरा घोड़ा है जनाब, इसकी हाइट है 66 इंच। ठीक है, तो नुकरे में ज्यादा ज्यादा हाइट जो हमारे पंजाब में है ना, वो 61 तकरीबन 61.5 इंच तक है। सही है, ये 4 इंच का इसका हाइट है जनाब। ये ब्रीडर घोड़ा है हमारे पास, काफी देर से हमारे पास। जितने बच्चे नजर आ रहे हैं सारे इसी के हैं? हाँ इसी के। माशाल्लाह, अरे जितनी भी ब्रीड आपको नजर आ रही है ये सारी की सारी इसी घोड़े की है। सीन ऐसा है कि घोड़ों का शौक करा दिया अब आपको। अब जा रहे हैं हम लोग कहाँ पे? 2 मिनट में आपको पता चल, 2 सेकंड में पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं हम। हम शेरों वाली तरफ जा रहे हैं। ओए 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 ओए, शेर देखने आ गए हैं, घोड़े देख लिए, हो गई कहानी पूरी। यहाँ पे चेक करो माशाल्लाह से, लाइगर है ये? लाइगर है ये लाइन है, लेकिन ये मैंने इतना बड़ा कैसे हो गया? बचपन से पाला भाई है। इतना बड़ा कैसे हो गया माशाल्लाह? ये बच्चा है, ये टेम्ड है। भाई साहब चेक करो, आंखों पे यकीन नहीं होता। ये साइज चेक करो, वो भी शेर है, वो आपके सामने है। ये कितनी उम्र का? उम्र भाई इसकी खुराक तो बाकी शेरों से डबल ट्रिपल होगी। ये तकरीबन 2-3 किलो दूध पीता है डेली। अच्छा,
ये माशाल्लाह जितना घोड़ों का शौक है जी उतना ये भी शौक। गोश्त कितना खाता है डेली का? ये 10 किलो खा रहा है डेली। तो ये जो फुल तैयार हुआ किस तरह? ब्रीड के काबिल नहीं है। अच्छा अभी पूरी उम्र का नहीं है। साइज इसका चेक करो यार, बहुत हैवी है ये। कैमरे में मुझे नहीं पता कैसा आ रहा है लेकिन ये एक्सट्रीम साइज है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम साइज है माशाल्लाह। मेन सेटअप मेन एवरी दिखाने लगे ये रही ऊपर, जो आपको ऑफिस नुमा जगह नजर आ रही है सारा लबड़ का सेटअप है। और अब जा रहे हैं मेन सेटअप पे। तो जी ऊपर फाइनली आ चुके हैं शेर घोड़े और बहुत सी चीजें देखे कासिम चौधरी के ऑफिस में। और अब सीन ये है कि दूसरी साइड ऑफिस में आ रहा है ये सारा जो सेटअप है। यहाँ पर इवेंट्स वगैरह के बारे में बात क्या होता क्या इधर आप खुद ही बता दो सर। इधर माशाल्लाह दुनिया की हर चीज ब्रीड हो रही है, लबड़ से लेके शेर लायन बाज भी ले आए हैं, जल्दी साहब फैल्कन भी आ गया है, हिरण भी आ गए थे। अच्छा हिरण में है नहीं चेक के डमी देखी थी? हिरण डमी देखी थी मैंने। डमी नहीं है वो हिरण, उसको घोड़े तो। अच्छा अच्छा भैया लाइक करो शेयर करो कमेंट्स करो और सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।